Swayam Prabha, Digital India, Educated India. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टूडेज टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह मेरा तृतीय लेक्चर है चूँकि विषय का चयन मैंने हिंदी के रूप में किया है और हिंदी के माध्यम से इस स्लाइड के माध्यम से और थर्ड लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध डिफेंस का प्रतिरक्षा का बचाव का क्या अधिकार उपलब्ध है यह बताने का प्रयास करने जा रहा हूं तो आप सभी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय दंड संहिता अठारह की धारा 6 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रावधानित सभी अपराध सामान्य अपवाद के साधारण अपवाद के अधीन समझे जाएंगे अर्थात जो सेक्शन सिक्स आईपीसी का है उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि जितने भी अपराध आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं या पनिशेबल बनाए गए हैं वे सभी अध्याय चार अथवा साधारण अपवाद धारा छिहत्तर से लेकर 106 के अंतर्गत समझे जाएंगे तो आप देखें कि कानून विधि के विद्यार्थी होने के नाते पूरे आईपीसी के अंतर्गत साधारण अपवाद जो जनरल डिफेंसेस हैं धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का क्या रोल है क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिफाइन करने में धारा 76 से लेकर के 106 तक के जो प्रावधान जनरल डिफेंस के रूप में प्रावधानित किए गए हैं उनका ठीक वही रोल है जो रोल किसी एक वृक्ष के निर्माण में तने का होता है किसी भी एक पेड़ के वृक्ष के निर्माण में तने का जो स्टेम का रोल होता है कि स्टेम से ही पूरे खनिज पदार्थ उस पूरे वृक्ष की शाखाओं तक जाते हैं और उस वृक्ष का विकास इस बात पर निर्भर करता है वह वृक्ष कितना विकसित होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जड़ें कितनी स्वस्थ हैं उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं अर्थात जो हम साइंस वैज्ञानिक युग में या विद्यार्थी साइंस के जो स्टूडेंट होंगे इसको और बेहतर समझ पाएंगे कि जिस प्रकार से पेड़ में जाइलम और फ्लोयम का रोल होता है कि स्टेम से भोज पदार्थ को वह शाखाओं तक ले जाना जिससे कि शाखाएं विकसित हो सकें ठीक उसी प्रकार से पूरे भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत पूरे अपराधों को कंट्रोल करने वाली जो धाराएं हैं वे धारा 76 धारा 106 अर्थात यदि किसी वृक्ष का तना निष्प्राण हो जाए किसी वृक्ष का स्टेम जो है यदि डेड हो जाए तो वृक्ष भी गिर जाएगा वृक्ष भी डेड हो जाएगा निष्प्राण हो जाएगा इसका मतलब है कि पूरे वृक्ष को नियंत्रण करने में जो उसकी सा जो उसके तनों का जो उसके जड़ का रोल है वही रोल भारतीय दंड संहिता के धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के प्रावधान में पूरे आईपीसी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और ये लिख दिया गया है कि जितने भी अपराध होंगे वे तभी अपराध माने जाएंगे जब धारा छिहत्तर से लेकर 106 तक के दायरे में न आते हों तो आप समझ सकते हैं इसका कितना महत्व है अब मानव शरीर के वृद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात मैं करूं उससे पहले एक स्लाइड के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड को देखें और स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो हम दो भागों में अगर इसको प्रावधान को बांटें तो एक है क्षमा योग्य कृत्य एक्सक्यूजेबल एक्ट है जिस एक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है और एक एक्ट है जिसको हम न्यायोचित ठहरा सकते हैं क्षमा योग्य कृत्य कौन से हैं जिसमें दूषित आशय के अभाव में कार्य को क्षम कर दिया जाए पहला है जैसे तथ्य की भूल सेवेंटी सिक्स सेवेंटी नाइन बाल्यावस्था एक गुड डिफेंस है आपराधिक मामलों में कि जैसे धारा बयासी और तिरासी का उल्लेख मैंने स्लाइड में किया है कि सेवन ईयर्स जो बिलो चाइल्ड हैं उनके द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता मानसिक अस्वस्थता के कि अधीन किए गए कार्य को अगर कोई व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ है विकृत चित्त व्यक्ति है उसके अनसाउंड पर्सन है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अपराध नहीं माना जाता ये आई पी सी के एटी फोर में दिया हुआ है ये सारे एक्सक्यूजेबल एक्ट हैं इन सारे कृत्यों को इसलिए क्षम कर दिया जाता है कि ये सारे कार्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते इसी के आगे है दुर्घटना एक्सीडेंट दुर्घटना कृत्य क दुर्घटना एक्सीडेंटल अगर एक्ट हैं तो उसमें भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी जस्टिफाइड एक्ट कौन है ऐसे कृत्य जो न्यायसंगत संगत न्यायोचित ठहरा दिए जाते हैं आईपीसी के अंतर्गत उनको भारतीय संहिता में धारा 78 में किया गया है कृत्य जो जुडिशियल एक्ट होते हैं जो न्यायपालिका को अधिकार संविधान या संविधि ने दे रखा है कि न्यायालय के निर्णय के आदेशों के अनुवर्तन में जो कार्य किए जाएंगे वो क्षम्य होंगे जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या किए जाने पर हत्यारे को फांसी देने की सजा का देना ये क्षम्य होगा न्यायाधीश को नहीं दिया जा सकता पनिशमेंट कि न्यायाधीश ने इस प्रकार का दंड क्यों दिया है क्यों क्योंकि जो जुडिशियल एक्ट है न्यायाधीश जो कार्य कर रहा है वह किसी स्टैच्यूट के अंतर्गत उस स्टैट्यूट ने पावर दे रखा है आईपीसी की धारा सेवेंटी 77, सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट में ऐसे कार्यों को क्षम किया गया है तो मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज संक्षेप में जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा, जिस शीघ्रता से बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप सच को समझ पाएँ आवश्यकता के अधीन हम ग्रेटर एविल को अवॉइड करने के लिए लेसर एविल बड़ी घटना को बड़ी दुर्घटना को बड़ी क्षति को टालने के लिए छोटी क्षति क्षम में है धारा ए वन के अंतर्गत सहमति से किया गया कार्य आप सभी लोग टाट में पढ़े होंगे विधि के अंतर्गत पढ़े होंगे वॉल्टाई नॉन फिट इंजूरिया जहाँ सहमति वहाँ कोई क्षति नहीं है तो ये टॉर्ट में या सिविल रॉन्ग में तो एक वैध बचाव है ही है एक वैलिड डिफेंस है कि वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज़ नो इंजरी जहाँ सहमति है वहाँ कोई क्षति नहीं है उसी प्रकार से आपराधिक मामलों में भी यद्यप कि आपराधिक मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता लेकिन कुछ अपवाद हैं जहाँ पे कि सहमति से कोई व्यक्ति अगर क्षति सहमत करने के लिए होता है तो उसको आपराधिक दायित्व के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं ठहरा जा सकता है इसके सिद्धांत धारा 87, 89 में दिया गया है कि अगर कंसेंटेड एक्ट है कोई कार्य अपराध नहीं होगा यदि वह सहमति से किया गया है लेकिन ये बहुत आपवादिक परिस्थितियों में इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं आईपीसी के अंतर्गत कि कब सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा वह छोटे अपराधों में है ऐसे ही धारा 300 में एक 300 का पांचवा अपवाद है जिसमें कहा गया है कि कल्पेबिल हमे साइड नाट अमाउंटिंग टू मर्डर अगर कोई 18 वर्ष अधिक आयु की व्यक्ति व्यक्ति सहमत मृत्युकारित करने की सहमत करता है तो वह कल्पेबल हमे का दोषी होगा धारा तीन सौ आठ तीन सौ पाँचवें अपवाद में दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि प्रतिरक्षा का अधिकार इसमें दिया हुआ है यह प्रतिरक्षा का अधिकार 96 से लेकर के 106 तक है 96 से लेकर 106 तक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें कहा गया है एक शुरुआती नियम है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जाए नथिंग इज एन अफेंस विच इज़ डन इन प्राइवेट डिफेंस कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जाए वह चाहे शरीर के बचाने में किया जाए या संपत्ति के बचाने में किया जाए अपराध नहीं माना जाएगा क्यों ये दिया गया ये जानते हुए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे क्षति हो सकती है नॉलेज होता है कि जो मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में जो काम कर रहा हूँ इससे इसको क्षति हो सकती है लेकिन चूंकि वह जस्टिफाइड है न्यायसंगत है अगर ये प्रावधान नहीं दिए होते तो संविधान यह प्रावधान यदि नहीं दिए गए होते तो समाज का कोई भी व्यक्ति लोक सुरक्षा की भावना से आगे आकर के कार्य नहीं करता वह अपनी जान बचाने के लिए या समाज के किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए आगे आकर के काम नहीं करता बचाने का प्रयास नहीं करता तो इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि जो प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो भी जस्टिफाइड एक्ट है दूसरी स्लाइड के माध्यम से देखिए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर के 106 तक में दिया हुआ है हम इसको समझने के लिए छात्रों के समझना समझने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है पहला है मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दूसरा हमने कर दिया संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो धाराएं मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में है सेक्शन 96, 97, 99, नाइन्टी सेक्शन वन 101, 102, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सेक्शन 96, 97, 99, धारा 103, 104, 105, इन दो भागों में वर्गी कुछ ऐसी धाराएं जो दोनों में कामन है इसलिए कामन है कि उसमें सामान्य नियम प्रतिपादित किए गए हैं जनरल रूल दिए गए हैं सामान्य नियम वह बॉडी के अगेंस्ट भी है संपत्ति के अगेंस्ट भी है जिससे कि बेसिक नियम है तो दोनों में कॉमन है अब मैं बेसिक नियम की बात करूं कि प्राइवेट डिफेंस से संबंधित आधारभूत सिद्धांत क्या है तो वह सेक्शन 96 में लिखा हुआ है सेक्शन 96 आईपीसी का कहता है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसरण में किया जाए उसका इंग्लिश वर्जन है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जाए एक सामान्य बेसिक फंडामेंटल रूल सेक्शन 96 में दे दिया गया अब जो सब्जेक्ट मैटर है प्राइवेट डिफेंस का वो सेक्शन 97 में दिया गया है सेक्शन 97 में क्या दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर एवं अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा फिर उसी 97 सेवन में लिखा गया कि धारा निन्यानवे के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का बचाव का अधिकार होगा और दूसरा खंड है सेक्शन नाइन्टी सेवन का प्रत्येक व्यक्ति को धारा निन्यानवे के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा तो हमें देखते हैं कि सेक्शन नाइन्टी सेवन के अंतर्गत जो डिफेंस बचाव का जो अधिकार है वो सब्जेक्ट मैटर भी दिया हुआ है किसके विरुद्ध होगा बचाव का अधिकार शरीर के विरुद्ध संपत्ति के विरुद्ध ये धारा नाइन्टी सेवन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अब इससे भी बहुत बेहतर बात इसमें लिखी गई नाइन्टी सेवन में कि न केवल व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा कर सकता है बल्कि समाज के किसी भी व्यक्ति के शरीर की रक्षा बचाव कर सकता है और उस बचाव में यदि कोई कार्य करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा अपनी संपत्ति को बचाने में या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बचाने में यदि वह कोई कार्य करता है भले ही उसमें किसी को हानि हो जाए क्षति हो जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा ये धारा 97 में और यहाँ तक की बात कह दी गई कि शरीर की बचाने में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो वह अभी न्यायसंगत होगा इसी धारा सौ के अंतर्गत है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो अब इसको स्लाइड के माध्यम से देखें धारा 97 सेवन मैंने लिखा है बताया है कि निन्यानवे के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर अथवा तथा अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा अपनी चल संपत्ति याचल संपत्ति के विरुद्ध बचाव का अधिकार होगा दूसरे व्यक्ति की भी चल अचल संपत्ति को बचाने का अधिकार होगा यह प्रावधान यह प्रतिरक्षाएं, डिफेंस इसलिए भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत दी गई जिससे पब्लिक सिक्योरिटी की भावना लोगों में लोग सुरक्षा की भावना को जागृत किया जा सके किसी भी देश का कोई भी विश्व का कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से कितना भी उन्नति न उन्नति क्यों न कर ले, लेकिन उसके लिए संभव नहीं है कि वह हर व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा पुलिस उपलब्ध कराए हर घर के सामने एक पुलिस सिक्योरिटी उपलब्ध कराए तो ऐसी स्थितियों में कुछ राइट्स जो है वह समाज के भी नागरिकों को दे दिया जाए सोसाइटी को दे दिया जाए कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसे प्रतीत होता है कि उसके सामने किसी अन्य व्यक्ति पर हमला हो रहा है तो हमलावर को उस हमले को निष्फल करने के लिए हमलावर पर किस सीमा तक बल प्रयोग करके उस हमले को निष्फल कर दे ये धारा सौ में दिया हुआ है और धारा हंड्रेड के अंतर्गत तो ये बता दिया गया कि सात ऐसी परिस्थितियाँ बता दी गई जिन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित भी अगर हो जाए तो जस्टिफाइड है उसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे तो सेक्शन नाइन्टी सेवन पर देखें कि धारा सत्तानवे के अंतर्गत जो सब्जेक्ट कंटेंट दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है कि प्राइवेट डिफेंस किसके विरुद्ध हम ले सकते हैं तो ये बात क्लियर हो गई सेक्शन नाइन्टी से कि मानव शरीर के विरुद्ध बचाव का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध बचाव का अधिकार इन दो धाराओं के अंतर्गत इन धारा सत्तानवे के अंतर्गत दिया गया स्लाइड आगे देखें इसको अब इसमें चूंकि लिखा हुआ है कि सेक्शन 97 सेवन में कि धारा निन्यानवे निन्यानवे के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर अन्य व्यक्ति की शरीर अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार होगा तो यह जो डिफेंस का राइट है यह है किसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर है किसी निर्बंधन के अधीन है तो यह जान लेना आवश्यक होगा कि वे कौन से निर्बंधन हैं जिनके अधीन यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा तो मैंने इसको सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा है अगर आप इसको देखना चाहें स्लाइड के माध्यम से तो पहला है कि जहां लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध न हो जहां लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध है वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा उदाहरण के रूप में समझें आप चौराहे पर खड़े हैं चाय पी रहे हैं और आपके सामने ही पुलिस वहाँ बैठी हुई है और पुलिस बैठी हुई है और दो पक्ष आपस में दो व्यक्ति आपस में मारपीट कर लेते हैं एक दूसरे पर चाकू से हमला कर देता है यदि व्यक्ति चाकू से हमला कर देता है तो हमलावर को निष्फल करने के लिए उसके हमले से बचने के लिए पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह उस पर उतना बल प्रयोग करे जितना कि हमले को निवारित किया जा सके लेकिन चूंकि वहाँ पर कांस्टेबल है लोक प्राधिकारी है उसकी सहायता ली जा सकती है बगल में थाना है पुलिस चौकी है तो पुलिस को यह अधिक वहाँ पर पुलिस की ये विधिक जवाबदेही है यह लीगल ड्यूटी है कि वह उस झगड़े को निवारित करे दोनों पक्षों को उसमें विवाद को सुलझाए लेकिन यदि सक्रिय सहयोग लोक प्राधिकारी नहीं कर रहा है तो लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना और लोक प्राधिकारी के द्वारा सक्रिय सहयोग करना लोक प्राधिकारी की सहायता मिलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं यदि घटनास्थल पर लोक प्राधिकारी उपस्थित है पुलिस उपस्थित है परंतु वह कोई मदद नहीं कर रहा है कोई सहायता नहीं कर रहा है तो इसका ये कदापि अर्थ नहीं होगा कि लोग प्राधिकारी का घटना स्थल पर होना कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएगा उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा भले ही उसके समक्ष पुलिस खड़ी हो अगर पुलिस निष्क्रिय है पुलिस मौन है कोई सहयोग नहीं कर रही है तो मुझे अधिकार है कि मैं अपने प्राणों को रक्षा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की प्राण की रक्षा करने के लिए उस सीमा तक बल प्रयोग कर दूं जिस सीमा तक बल प्रयोग करने की अनुमति मुझे भारतीय जनसंहिता की धारा सौ के अंतर्गत दी गई है मैं हमलावर की भी जान ले लूं तो वह मुझे किसी आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा वो कार्य मेरा क्षम है धारा शव के अंतर्गत तो एक बात हो गई कि धारा 99 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की सहायता मिलने पर जहां सहायता ली जा सकती है वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा ये तब है जब लोक प्राधिकारी सहयोग कर रहा है पुलिस तुरंत आ गई आगे और वह पुलिस उसको पकड़ रही है तो तब मैं वहाँ पर उसको मारने का प्रयास या हमलावर को हमलावर पर बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं रखता लेकिन घटनास्थल पर पुलिस मौन है सक्रिय नहीं है कोई सहयोग नहीं कर रही है तो हमलावर के विरुद्ध उतना बल प्रयोग किया जा सकता है जितना हमले को निष्फल करने के लिए आवश्यक है तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले कंटेंट को देखना है लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना और सक्रिय सहयोग न होना तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग दावा मैं कर सकता हूँ कोई व्यक्ति कर सकता है दूसरा है इसमें जो रूल है धारा नाइन्टी का हुआ है समानुपाति का रूल ऑफ प्रपोसनैलिटी का कि हमले को एवॉर्ड करने के लिए हमले को अवॉइड करने के लिए उतना ही बल प्रयोग कर सकता है व्यक्ति जितना कि बल प्रयोग से हमला दूर हो जाए जैसे ही वह एक्सीड होगा जैसे मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो मैं जैसे ही उतना बल प्रयोग करूंगा जिससे हमले का निवारण हो जाए लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा बल प्रयोग करूंगा, तो मैं आपराधिक दायित्व के अंतर्गत आ जाऊँगा इसलिए धारा 99 में एक कंडीशन ये भी कही गई कि हमले को निवारित करने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है लेकिन वह बल प्रयोग हमले के हमलावर के द्वारा बल प्रयोग करने से एक्सीड नहीं करना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए जैसे चोर के द्वारा अगर घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश किया जाता है तो हर स्वामी को यह अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाए चोर से बचाए लेकिन अब चोर घर में प्रवेश करता है तो हम चोर को जान से मार दें ये कानून हमको इजाज़त नहीं देता क्योंकि उसके द्वारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो की गई जिससे मुझे ऐसा लगता हो कि उस चोर से मेरी मृत्यु हो सकती है उस चोर से मुझे घोर क्षति हो सकती है तो मैं चोर को जान से मारने का अधिकारी नहीं हूँ अगर करता हूँ तो वह अधिक बल प्रयोग करता हूँ लेकिन अगर वही लुटेरा है लूट लूट करने के आशय से घर में पिस्टल से आता है पिस्टल गन पॉइंट से मेरा सामान लेने का प्रयास करता है तो ये कानून अधिकार देता है कि जहाँ पर हमलावर के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिससे मृत्यु या घोर क्षति होने की आशंका है तो मृत्यु या घोर क्षति की आशंका में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है तो रूल ऑफ प्रपोसनैलिटी ध्यान रखना है तीसरा है कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा यह एक वाक्य सेंटेंस सेक्शन 99 में लिखा हुआ है इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि लोक प्राधिकारी अगर अनुचित कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति बल प्रयोग नहीं कर सकता है उसी धारा 99 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जहां पर किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य किए गए कार्य का परिणाम मृत्यु या घोर आशंका नहीं है मृत्यु या घोर क्षति होने की आशंका नहीं है तो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा इसका अर्थ यह हो गया कि यदि लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका है तो लोक प्राधिकारी की मृत्यु कारित की जा सकती है लोक प्राधिकारी के द्वारा साधारण उपहति क्षम्य है लेकिन लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से यदि मृत्यु या घोर क्षति की आशंका है हमले की आशंका है तो ऐसी परिस्थितियों में लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी पब्लिक प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा तो ये बात हो गई सेक्शन 96 97 और 99 का अब जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसमें है मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और उसका विस्तार मृत्युकारित करने तक कब होगा ये धारा सौ में बताया गया है कि कब मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर के मृत्युकारित करने तक कब होगा यह आईपीसी की धारा सौ के अंतर्गत सात ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिन सात परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर हमलावर की मृत्यु कारित किया जाना जायज है वैध है उन सात सात परिस्थितियों को मैं एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आप सभी छात्रों के लिए यह उपयोगी साबित होगा भारतीय दंड संहिता की धारा सौ यह प्रावधानित करती है कि किन परिस्थितियों में शरीर के विरुद्ध प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कारित करने तक हो सकता है पहला जब हमले की आशंका मृत्यु हो या जब हमला कारित करने के आशय से किया गया हो तो हमलावर की कारित की जा सकती है दूसरा है जब हमलाई का आशय घोर उपहति है तो हमलावर की मृत्युकारित की जा सकती है तीसरा है बलात्संग करने के रेप करने के आशय से किए गए हमले में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है चौथा है नेक्स्ट है अप्राकृतिक अननेचुरल ऑफेंस की स्थिति में अप्राकृतिक अपराध की स्थिति में अपरा अप्राकृतिक तृष्टा की के अपराध में हमलावर की मृत्युकारित की जा सकती है जहाँ पर हमले का आशय अपहरण या व्यापहरण का हो अपहरण और व्यापहरण करने के आशय से हमला किया गया है वहाँ पर भी अपहरणकर्ता की मृत्युकारित की जा सकती है नेक्स्ट पॉइंट है सदोष परिरोध किया गया और सदोष परिरोध ऐसी परिस्थितियों में किया गया जहाँ पर कि लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध न हो वहाँ पर हमलावर की कारित की जा सकती है तो सदोष परिरोध में हमलावर की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है सदोष परिरोध के साथ एक कंडीशन उसमें जुटा हुआ है वह क्या है कि सदोष परिरोध में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकेगी जब सदोष परिरोध ऐसा किया गया हो कि कोई लोक प्राधिकारी की हेल्प न मिल पाए दो चीज़ें हैं रंगफुल कन्फाइनमेंट सदोष परिररोध का अपराध धारा तीन सदोष परिरोध का अपराध ऐसे परिस्थितियों में किया गया हो आपके हाथ पैर ऐसे बधे हों कि वहाँ पे आप लोक प्राधिकारी की सहायता ले नहीं सकते पुलिस को बुला ही नहीं सकते पुलिस हेल्प नहीं ले सकते तो ऐसी स्थिति में हमलावर की जान ली जा सकती है हमलावर की मृत्यु कारित करना धारा सौ न्याय संगठ ठहराता था, है न्याय उचित ठहराता था है और सातवां पॉइंट जुड़ा हुआ है कि एसिड अटैक की स्थिति में हमलावर की कारित की जा सकती है जहां हमला एसिड अटैक के आशय से किया गया हो जहां हमलावर का आशय एसिड अटैक करना हो वहां पर उस हमले को एसिड अटैक के हमले को निष्फल करने के लिए हमलावर के मृत्युकारित किया जाना जायज़ है विधिसम्मत है यह जो सातवां ग्राउंड जोड़ा गया धारा सौ के अंतर्गत यह निर्भया कांड के बाद भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वर्ष दो में जोड़ा गया निर्भया इंसिडेंट जो दिल्ली में हुआ उसके पश्चात एक वर्मा कमेटी गठित हुई थी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में उनके द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर कि यदि किसी भी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा एसिड अटैक किया जाए अगर हमले का आशय एसिड अटैक करना हो किसी भी स्त्री या महिला के चेहरे को विद्रोहित करना हो इस तरह के अगर प्रयत्न किए जाएँ तो हमलावर की मृत्यु की जा सकती है इतना धारा सौ के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा, मानव शरीर के विरुद्ध एसिड अटैक के हमले से बचने के लिए उस हमलावर के मृत्यु कारित किया जाना जायज है छम्य है यह धारा सौ के अंतर्गत जो सात परिस्थितियां बताई गई जिन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है छम्य है न्याय संगत है कब ये प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा ये धारा 102 में लिखा हुआ है भारतीय जनसंहिता की धारा 102 कहती है कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा, का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा जिस समय हमला मृत कारित करने के आशय से हमला घोर क्षति कारित करने के आशय से हमला रेप करने के आशय से हुआ है उसी क्षण हमलावर के विरुद्ध शरीर को बचाने का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा और यह अधिकार कब तक बना रहेगा यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि यह हमला इन धा इन सातों में से जब तक कि कोई भी जितने भी उसमें सात ग्राउंड बताए गए हैं जब तक कि हमलावर के द्वारा किए गए हमले से वह परिस्थितियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म न हो जाए अर्थात यह प्राइवेट शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा धारा एक में लिखा हुआ है मैंने बताया कि जब हमलावर के द्वारा घोर क्षति कारित करने का प्रयास किया जा रहा है उसी क्षण यह, यह हमें अधिकार मिल जाता है अपने शरीर को बचाने का कब तक बना रहेगा जब तक मेरे समक्ष हमलावर उपस्थित है और वह हमला करता है जिससे लगता है कि मुझे घोर क्षति हो सकती है ये अधिकार तब तक बना रहा है एक घंटे दो घंटे <coughs> तो इस बात को ध्यान में रखना है तो मैं ये बता रहा था कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा के अधिकार के विस्तार में कारित कब किया जा सकता है ये धारा सौ के अंतर्गत सात ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई हैं जब हमलावर के मृत्यु कार्य किया जाना न्यायसंगत है कब मानव शरीर की प्रतिरक्षा में मानव शरीर के बचाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है सभी छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह केवल अपनी शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है बल्कि अपने साथ साथ समाज के किसी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भी यदि हमला हो रहा है और हमला ऐसा है जिसमें मृत्यु हो सकती है उसकी या घोर क्षति हो सकती है उसकी या ब्लासंग करने के आशय से किसी बालिका या महिला के ऊपर हमला किया जा रहा है वहाँ पर हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार ये धारा सौ देती है धारा सौ के अंतर्गत उस डिफेंस में शरीर के प्रतिरक्षा में उसके मृत्यु कारित की जा सकती है अब यह अधिकार मैंने बताया कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा बहुत सामान्य सी बात है कि अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा जब इस प्रकार की स्थितियां संभावना उत्पन्न हो जाए तब तक बना रहेगा जब इन धाराशव के सात स्थितियों में से सारी कोई स्थिति जो उत्पन्न हुई हो वो समाप्त हो जाए तो उसी क्षण ये समाप्त हो जाएगा अब आते हैं कि इस धारा सव में जो सात परिस्थितियाँ दी गई हैं इसको एक एक करके इसको डिस्कस करें इस पर महत्वपूर्ण केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिससे और क्लैरिटी आएगी इसको समझने में मैं उसको प्रारंभ करूं इससे पहले यह बताने का प्रयास करेंगे कि इस धारा 100 के अंतर्गत मृत करना तो न्यासंगत है तो इससे भिन्न क्षति कब क्षम्य होगी ये धारा 101 सौ एक ठीक इसके आगे वाली धारा में लिखा हुआ है कि मृत से भिन्न कोई अपहानि कब क्षम्य होगी ये धारा 101 में बताया गया है इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा 100 में सात सेवन ग्राउंड्स बताए गए हैं केवल उन्हीं परिस्थितियों में हमलावर मृत्यु मृत्युकारित करने को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है और इससे भिन्न कोई क्षति अर्थात अगर घोर क्षति भी हम कर दें हमलावर के प्रति तो वह धारा एक सौ एक के अंतर्गत न्यायसंगत न्यायोचित ठहराया जाएगा तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है हम धारा सौ धारा एक सौ एक धारा एक सौ दो की बातों को देखें धारा नाइन्टी सिक्स में जो बेसिक रूल है धारा नाइन्टी सेवन में जो बेसिक रूल है उसको देखते हुए अब हम प्रयास से समझने का प्रयास करेंगे कि धारा सौ के अंतर्गत यदि हमलावर के द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थिति में मृत होने की संभावना है या घोर उपहति होने की संभावना है या घोर उपहति हो जाए तब इसको अधिकार को प्रयोग करना है या मात्र संभावना के आधार पर ही हम इस अधिकार का दावा कर सकते हैं तो यह बात बहुत स्पष्ट है और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शरीर या अन्य व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए यदि हमलावर के द्वारा किए गए हमले का परिणाम मृत्यु है या घोर उपहत या ब्लासंग इस प्रकार का यदि आशय है हमले का आशा है तो ऐसी परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित करना धारा शव के अंतर्गत नहीं है ही और यदि घोर क्षति हो जाए तो भी या घोर क्षति होने की मात्र आशंका है कि यह मेरी घोर क्षति कर सकता है तो भी हमलावर को मारा जा सकता है तो मीनिंग देर भाई कि या तो इन सातों में से कोई एक वास्तव में स्थिति कोई एक्चुअली एक स्थिति उत्पन्न हो जाए या मात्र संभावना हो केवल एप्रिहेंसन हो कि ऐसा हो सकता है एक संभावना के आधार पर भी प्राइवेट डिफेंस का दावा किया जा सकता है जैसे इसमें अपहरण या व्यापहरण लिखा हुआ है मात्र अपहरण किया जा रहा है अपहरण करने का प्रयास हो रहा है उसी दौरान यदि हमलावर अपहरणकर्ता की मृत्यु कायित कर दी जाए तो धारा सव इस कार्य को क्षम्य घोषित करती है या व्यापहण करने का प्रयास किया जा रहा हो एसिड अटैक किया गया वास्तव में क्षति नहीं हुई बच गई महिला बच गई स्त्री बच गई तो भी ऐसी स्थिति में ए अटैकर को जिसने ऐसी अटैक किया है उसकी मृत्यु तो कायद की जा सकती है दो बातें याद रखना है या तो वास्तव में ये कार्य घटित हो जाए धारा सौ के अंतर्गत तो प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है या मात्र संभावना हो लेकिन ये संभावना का मतलब युक्तयुक्त -युक्त संभावना का होना है रीजनेबल एप्रिहेंसन होना चाहिए इन द माइंड इन द माइंड ऑफ विक्टिम कि मैं अगर प्राइवेट डिफेंस का दावा करता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में युक्तयुक्त -युक्त विचार होने चाहिए कि युक्तयुक्त अप्रिहेंशन था संभावना थी कि मेरे ऊपर हमला किया जा सकता है मात्र कह देने से या मात्र हमले की आशंका से हम हमलावर की मृत्यु तो नहीं कारित कर सकते हैं रीजनेबल होगा प्रिहेंशन रीजनेबल था या नहीं था ये तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय इसका निर्धारण सत्र न्यायालय इसका निर्धारण हाईकोर्ट साक्ष्य के आधार पर तथ्य परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करेगा कि ये कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कायद करना आवश्यक हो गया था जो प्राइवेट डिफेंस में नहीं किया और कोई अन्य क्षति नहीं हो सकती थी तो इसको ध्यान देना है कि रीजनेबिलिटी डिसाइड कोर्ट के द्वारा किया जाएगा वह अप्रिहेंशन रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है दिस दैट थिंग विल बी डिसाइड बाय द कोर्ट न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा अब धारा सौ के अंतर्गत महत्वपूर्ण वाद सुप्रीम कोर्ट के आ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए केस लॉज हैं उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी अभियुक्त को धारा सौ का लाभ देते हुए और दोषमुक्त कर दिया गया तो इस पर मैंने जो तीन केस को उद्धृत किया है पहला केस इसमें है अमजद खान बना मध्य प्रदेश राज्य ए 1952 सुप्रीम कोर्ट अब इस केस में तथ्य क्या थे मैं इस तथ्य को बताने का प्रयास करूंगा अमजद खान को एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था तथ्य इस प्रकार से थे कि मध्य प्रदेश राज्य में सिंधी जिले में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाने की स्थिति में उग्र भीड़ के द्वारा अमजद खान की शॉप को अमजद खान एक दुकान संचालक है उसके दुकान को भीड़ उग्र भीड़ के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है अमजद खान अपने परिवार के साथ घर में छिपा हुआ है उसके अपने दुकान के पिछले हिस्से में वह घर के रूप में निवास करता है और उग्र भीड़ के द्वारा जब उसके मुख्य दरवाजे को शटर को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था ऐसा देखकर अमजद खान अपने परिवार को इस समस्या से घिरता हुआ देख उग्र भीड़ के द्वारा किए गए हमले से घिरता हुआ देखकर अपने घर से बाहर निकलता है बंदूक भरी हुई बंदूक लेकर बाहर निकलता है और भीड़ पर गोली चला देता है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तत्पश्चात इसको गिरफ्तार किया जाता है और इसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाता है अब अभियुक्त के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा सौ के अंतर्गत बचाव लिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में हमलावर मृत्यु कारित कर देते यदि वह इस इतना बल प्रयोग नहीं किया होता तो अब अभियोजन की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया न्यायालय के समझ कि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी ये जो बल प्रयोग किया गया अमजद अभियुक्त खान के द्वारा अमजद खान के द्वारा वह बल प्रयोग अधिक था उसने बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी परंतु अभियुक्त के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जब अपील किया गया तो उच्चतम न्यायालय को यह डिसाइड करने के एक अवसर प्राप्त हुआ कि क्या वे परिस्थितियां थीं जिसमें अभियुक्त के द्वारा किए गए हमले हमलावर को निष्फल करने के लिए धारा सव का लाभ दिया जाए या न दिया जाए उच्चतम न्यायालय के द्वारा तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी साक्षियों को दिस्क करते हुए यह निर्णित किया गया कि आभियुक्त के द्वारा किया गया बल प्रयोग उन परिस्थितियों में वह वैध था और धारा सौ का वह अधिकारी है उसने उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है क्योंकि जिन परिस्थितियों में उसने बल प्रयोग किया यदि वह बल प्रयोग नहीं किया होता तो निश्चित रूप से भीड़ के द्वारा उसके परिवार उसे या उसके परिवार के सदस्यों पर मृत्यु या घोर क्षति हो सकती थी संभावना थी तो चूंकि धाराशव के अंतर्गत ये दो वैध आधार हैं कि जब हमलावर या हमले का हमले की आशंका मृत्यु हो या हमले की आशंका घोर उपहति हो तो हमलावर की मृत्युकारित की जा सकती है अतः इस परिप्रेक्ष्य में अमजद खान को धारासव का लाभ देते हुए उसे उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया दूसरा इसमें केस मैं उद्धृत करना चाहूँगा जिसके माध्यम से छात्रों को धारा सौ को समझने में और सहूलियत होगी और किसी भी प्रादेशिक परीक्षा किसी भी प्रदेश में न्यायिक सेवा परीक्षा हो उस न्यायिक सेवा परीक्षा में यदि आईपीसी पेपर है और होता ही है तो निश्चित रूप से ये तीन जो केस मैं बता रहा हूँ इसके अतिरिक्त आप कुछ भी केस लिखें लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए प्रारंभिक में ये तीन जो महत्वपूर्ण वाद हैं ये निश्चित रूप से मिल पत्थर साबित होंगे और आप सभी को इसको देखना चाहिए सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसके बाद बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हैं लेकिन चूंकि ये प्रारंभिक मामले पहले डिसाइड किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगे और आप इसके अतिरिक्त जो कुछ भी लिखें वो सही है परंतु आपको भी ये मुख्य परीक्षा में इन तीन प्रश्नों के तीन महत्वपूर्ण वादों के अतिरिक्त कोई भी वाद लिख सकते हैं लेकिन आपके आंसर में ये तीन महत्वपूर्ण केस अवश्य होने चाहिए दूसरा केस मैं जो बताने जा रहा हूं उस केस का नाम है प्रकाश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य उन्नीस सौ राजस्थान हाई राजस्थान हाईकोर्ट प्रकाश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जो तथ्य इस प्रकार से थे जिसको उदृत करना चाहूंगा प्रकाश चंद्र और उसके भाई को भारतीय जनसंहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था अभियोजित किया गया था मतलब दोषित नहीं किया गया था आपको समझने की आवश्यकता है उसके इन प्रकाश चंद्र के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रकाश चंद जब रात्रि में भोजन कर रहा था तो उसके पड़ोसियों उसके गांव में ही आ, कुछ लोगों से विवाद था तो प्रकाश चंद्र जिस रात्रि में भोजन कर रहा था घटना घटना के दिन जित उसमें घर पे भोजन कर रहा था उसके विरोधी पक्षकारों के द्वारा हमलावरों ने घर पे आकर के प्रकाश चंद को आवाज़ दी चूँकि प्रकाश चंद खाना खा रहा था भोजन कर रहा था इससे उसकी पत्नी घर के बाहर जाती है और देखती है कि उसके विरोधी पक्षकार घर के बाहर खड़े हैं और प्रकाश चंद उसके भाई को निकलने की आवाज़ देते हैं प्रकाश चंद्र की पत्नी जैसे ही बाहर आती है वैसे ही उसे अभियुक्तों के द्वारा वहाँ से बलपूर्वक घसीटने घसीटने का प्रयास किया जाता है यह सब चार्जशीट में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था न्यायालय के समक्ष जहाँ पर कि घटनास्थल से उसके उस पत्नी प्रकाशचंद की पत्नी के टूटी हुई चूड़ियाँ उसके टूटे हुए बाल इन साक्षियों के आधार पर यह न्यायालय भी ये निष्कर्ष निकाला होगा कि निश्चित रूप से वहाँ पे बलपूर्वक उस बार उस स्त्री को रात्र में उस स्त्री को घसीटा गया होगा खींचा गया होगा जिसे प्रतिरोध विरोध करने पर उसके उसके हाथ की चूड़ियाँ टूटी होंगी उसके बाल खींचे बाल खींचने का प्रयास किया हो, होगा इसलिए घटनास्थल से पुलिस को बाल बरामद हुए इन साक्षियों के आधार पर न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुँचने पर निर्णय देने में सहूलियत हुई होगी तत्पश्चात प्रकाश चंद की पत्नी के द्वारा बचाओ बचाओ की आवाज़ देने पर चिल्लाने की आवाज़ देने पर प्रकाशचंद अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलता है और भीड़ पर गोली चला देता है जिससे अपने जिससे उसका एक विरोधी मारा जाता है अब प्रकाश चंद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए चार सीट के आधार पर न्यायालय को डिसाइड करना था कि क्या प्रकाश चंद उसके भाई को धारा सौ का लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों के वसीभूत होकर अभियुक्त को इतना बल प्रयोग करना पड़ गया तो इस मामले में राजस्थान कोर्ट के द्वारा चंद और उसके भाई को धारा सौ का लाभ देते हुए और उसे दोषमुक्त कर दिया गया ये माना गया कि जिन परिस्थितियों में उनके विरोधियों के द्वारा रात्रि में पत्नी को प्रकाश अभ्युत की पत्नी को बलपूर्वक घींच कर अंधेरे की तरफ ले जाना ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधियों के द्वारा ब्लासंग करने का प्रयास किया गया होगा और धारा सौ के अंतर्गत ब्लासंग करने के प्रयास के लिए ब्लासंग करने का रेप करने का अटेम्प्ट में हमलावर के मृत्यु कायित करना जायज़ है अतः राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रकाशचंद और उसके भाई को धारा सौ का लाभ देते हुए शरीर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किया गया बल प्रयोग धारा सौ के अंतर्गत प्रतिरक्षित है क्षम्य है तो ये मैं समझता हूँ दूसरा केस दूसरे केस के माध्यम से आप धारा सौ के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में मृत्यु करना जायज़ है सुप्रीम कोर्ट ने दो वादों के माध्यम से स्पष्ट किया है मानव शरीर के प्रतिरक्षा में अधिकार का विस्तार हमलावर के मृत्यु कारित करने तक हो सकता है जैसा कि मैंने बताया भारतीय जनसंहिता की धारा सौ के अंतर्गत सात ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत हमलावर के मृत्यु किया कारित किया जाना न्यायसंगत है यदि हमले का आशय ब्लास्टिंग करने का हो या अपहरण या व्यापहण करने का हो तो हमलावर की मृत्यु कायद किया जाना न्यायसंगत है इस पर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद, हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण केस लॉज दिए गए हैं जिसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कायद करने को उच्चतम न्यायालय ने या हाई राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायोचित ठहराया अब इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का यह महत्वपूर्ण केस धारा सौ के स्थिति को और स्पष्ट करता है कि धारा 100 के अंतर्गत जब कभी भी प्राइवेट डिफेंस को अवेल करने की बात आती है तो जो डिफेंडर है डिफेंडर वर्सेस एग्रेसर है जो आ, जो हमलावर है जो बचाव करता है वह कितनी सीमा तक बल प्रयोग कर सकता है और किसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौ के अंतर्गत लाया जाए इस मामले में विश्वनाथ को भी भारतीय जनसंख्या की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए अभियोजित किया गया था चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई भी व्यक्ति बचाव लेना चाहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध न माना जाए तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है न्यायालय के समक्ष यह सामान्य सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम अठारह की धारा 101 के अंतर्गत दिया हुआ है हम जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ की संज्ञा देते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केस जैसा कि हम जानते हैं साधारण नियम जो है आपराधिक मामलों में कि आपराधिक केस में बर्डन ऑफ प्रूफ सदैव अभियोजन पर होता है प्रोसिक्यूशन पर होता है मैं इस विश्वनाथ की केस को फैक्ट को बताऊं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बताऊं इसके साथ उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय भारतीय साक्षर नियम की वह धारा जिस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को बचाव लेने के लिए साबित करना होगा न्यायालय में कि उसके द्वारा किया गया कार्य आईपीसी की धारा सौ के दायरे में आता है यह अभियुक्त पर होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि साधारणतः आपराधिक मामलों में यह साबित करने का कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है यह अभियोजन पर होता है अभियोजन को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ही इस मामले में दोषी है क्योंकि चार्ज उसके समक्ष है और अभियोजन के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है कि अभियुक्त ने यह अपराध इस तारीख और समय पर किया है अब अभियुक्त वह अपराध नहीं किया है यह बचाव लेना यदि चाहता है तो यह भारतीय साचर निम की धारा एक के अंतर्गत उपलब्ध है और ये जो जनरल डिफेंसेज की धाराएं हैं धारा छिहत्तर से लेकर के एक तक की जो धाराएँ हैं इन धाराओं में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं ये सारे चूँकि डिफेंस है शब्दावली यूज किया गया है उस अध्याय में जनरल डिफेंस सामान्य प्रतिरक्षाएं अच्छा बचाव तो बचाव हमेशा आपराधिक मामलों में अभियुक्त लेगा सामान्य और अभियुक्त यदि बचाव लेगा तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा न्यायालय के समक्ष कि उसके द्वारा किया गया कार्य इन धाराओं के अंतर्गत कहीं न कहीं आता है और न्यायालय यदि संतुष्ट है तो अभियुक्त को उस धारा का लाभ देते हुए दोषमुक्त करेगा जितने भी धारा 96 से लेकर के 106 तक के अंतर्गत जो सामान्य प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं उन डिफेंस का दावा करने के लिए भी अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा किया गया पहली बात यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जितने डिफेंसेज हैं जितने बचाव हैं प्रतिरक्षाएँ हैं यह अभियुक्त को उपलब्ध होती हैं इसका क्लेम अभियुक्त करता है प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा ये बहुत ही बेसिक बात है जिसको ध्यान में रखना है दूसरा किन वह कौन सी धारा है जिस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को इसका बचाव लेना है ये साक्ष्य नियम के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपराधिक मामलों में और ये बचाव लेने के लिए किसको न्यायालय के समझ साबित करना होगा कि मेरा अपराध इस धारा के अंतर्गत अब इस केस का फैक्ट देखें विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के, के वाद में क्या घटित हुआ विश्वनाथ को अपने ही बहनोई की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था न्यायालय के समझ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त की बहन अपने पति के घर को छोड़कर किसी पारिवारिक कारण से पति के आरोपों से दुखी होकर पति के मध्य चल रहे विवाद से दुखी होकर वह अपने घर भाई, भाई के घर आई हुई थी प विश्वनाथ का बहनोई अपनी पत्नी को लेने के लिए अभ्युक्त के घर पर आया हुआ था जिससे कि वो अपनी पत्नी को ले जा सके बार बार निवेदन करने के पश्चात भी पत्नी पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी जिससे अभियुक्त के बार बार निवेदन करने पर भी उसकी बहन अभ्युक्त के बहनोई के साथ जाने को तैयार नहीं हुई अतः ऐसी स्थिति में मृतक अभियुक्त का बहनोई अपनी पत्नी को ले जाने के लिए बलपूर्वक खींचने लगा ऐसा करता देखकर, जब अभ्युक्त को लगा कि उसके सामने उसकी बहन को बलपूर्वक खींचा जा रहा है बहन उसको अपने बहनोई के साथ जाने को तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा यह देखना कि उसकी बहन को बलपूर्वक मृतक खींच कर ले जा रहा है अपनी पत अपनी बहन को बचाने के लिए विश्वनाथ अभियुक्त अपने ही बहनोई के ऊपर हमला कर देता है जिसके फलस्वरूप उसके बहनोई की मृत्यु हो जाती है अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया जाता है कि अभियुक्त तो धारा सौ का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता उसके द्वारा किया गया बल प्रयोग अधिक है और धारा सौ का प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता उच्च न्यायालय के द्वारा भी उस मामले में निर्णय को अनुमोदित करने के पश्चात अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में अपील करता है अब उच्चतम न्यायालय को डिसाइड करना है कि जिन परिस्थितियों के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा अपने ही बहनोई की मृत्युकारित की गई क्या अभियुक्त यह अधिकार रखता था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में वह हमलावर की कारित कर सकता था अथवा नहीं उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मुख्य विचारणी प्रश्न यह थे कि जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा बल प्रयोग किया गया क्या वह बल प्रयोग उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक था अपरिहार्य था या नहीं और यदि वह बल प्रयोग अपरिहार्य था आवश्यक था तो धारा सौ के गोले में धारा सौ के अंतर्गत लाया जाएगा और यदि धारा सौ के अंतर्गत सर्किल में वह नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आपराधिक मानववध का दोषी होगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा सभी साक्षियों का अवलोकन करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को अभियुक्त विश्वनाथ को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया और यह निर्णित किया कि जिन परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा अपने बहनोई के ऊपर बल प्रयोग किया गया उसमें कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी बहन के प्रति ऐसे हमले से निपटने के लिए यदि इतना बल प्रयोग कर दे या उसकी मृत्यु हो जाए हमलावर की मृत्यु हो जाए तो यह धारा सव्य के अंतर्गत डिफेंडर कोई अधिकार है बचावकर्ता कोई अधिकार है कि वह इस परिस्थिति में इतना बल प्रयोग कर सकता है जि, वह जिससे कि हमले को निवारित किया जा सके अब यह प्रश्न कि ये किस धारा के अंतर्गत लाया जाए धारा सव्यव में वह कौन सा ग्राउंड है आधार है क्या अपिलार्थी विश्वनाथ को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके बहनोई ने ऐसा हमला किया जिससे मृत हो सकती थी उसके बहन की या उसके बहन की घोर उपहती हो सकती थी या धारा सौ के लाभ देने के लिए उसको किस उसके एक्ट को अभियुक्त के कृत्य को किस धारा में कवर किया जाए तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि धारा सव का जो पांचवा उपखंड है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण किए जाने की स्थिति में हमलावर के मृत्यु किया जाना न्यायसंगत है न्याय उचित है इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा विश्वनाथ को धारा सव उपखंड पाँच का लाभ देते हुए उसे हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया गया और यह निर्णित किया गया कि विश्वनाथ अपिलार्थी विश्वनाथ धारा सौ के पांचवें खंड के अंतर्गत अपनी बहन को अपने ही बहनोई के द्वारा बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना यह एक अपराध है और उस हमले को निवारित करने के लिए किया गया बल प्रयोग उस परिस्थितियों में जायज़ था न्यायालय के द्वारा अपिलार्थी विश्वनाथ को दोषमुक्त किया गया अतः हम इन तीन केस मा, तीन, तीन वादों के माध्यम से देखते हैं कि धाराशो के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा है अभियुक्त को आ, अधिकार प्रदान करने के लेकर के प्राइवेट डिफेंस देने के लिए सबसे बुनियादी बात राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जो मुख्य बातें ध्यान रखना है हम उसको संक्षेप में क्विकली हाईलाइट करना चाहेंगे कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की शुरुआत धारा 96 से होना है 97 को लेकरना उल्लेख करना है और 99 का उसका उद्धृत करना है और सबसे जो बुनियादी बात है सेक्शन 99 के अंतर्गत वो जो तीन नियम हमको याद रखने हैं वो तीन नियम हैं कि लोक प्राधिकारी की सहायता का उपलब्ध होना लोक प्राधिकारी की सहायता न उपलब्ध होने में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करना लोक प्राधिकारी उपस्थित है और सक्रिय सहयोग नहीं कर रहा है तो इस अधिकार का दावा किया जा सकता है किया गया जो डिफेंडर के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया है और हमलावर के द्वारा जो बल प्रयोग किया जा रहा है दोनों में समानुपात होना चाहिए इसका मतलब ये हो गया कि यदि डिफेंडर के द्वारा हमले को निवारित करने के लिए किया गया बल प्रयोग यदि हमलावर के द्वारा बल प्रयोग से अधिक होगा और मृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट कल पेपिल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानवपत का दोषी होगा इसको एक बात छात्रों के लिए सबसे रेलिवेंट होगा विच आई वुड लाइक टू मेंशन एट दिस पॉइंट कि मैं इस बात को दृढ़ करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ही धारा सौ के अंतर्गत अगर अभियुक्त मामला में जस्टिफाई नहीं कर पाया कि धारा सौ के अंतर्गत वो जो सात परिस्थितियाँ हैं उनमें से कोई परिस्थिति नहीं थी और मृत तो हुई है तो इसका मतलब केवल एक होगा कि उस अभियुक्त को जिसको धारा सौ का लाभ नहीं मिलता है उसे निश्चित रूप से कल पेबिल होमेसाइड के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा इसका मतलब है कि न्यायालय की निगाह में न्यायालय की नज़र में वे परिस्थितियाँ नहीं थीं जिसमें धारा सौ के सातों खंड में से कोई एक खंड आता हो तो यह ध्यान रखना है कि अगर बल प्रयोग किया गया उस बल प्रयोग का परिणाम मृत्यु है तो निश्चित रूप से यदि धारा सौ में नहीं आ पाया है तो उसका केवल एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा और वह होगा कल्पेबल पेबिल होमेसाइड के लिए उस अभिद्ध को पनिशमेंट दिया जा सकता है दो बातें ध्यान में रखनी है तीसरी महत्वपूर्ण बातें जो इसमें धारा 99 के अंतर्गत निर्बंधन बताया गया है कि सेक्शन 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा वह जो तीसरा इम्पॉर्टेंट निर्बंधन यह है कि लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु अथवा घोर उपहति को छोड़कर नहीं होगा अर्थात इन दो परिस्थितियों में अगर लोक सेवक के द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की शंका है तो प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होगा इसके अतिरिक्त यदि हम 96 से लेकर के धारा 102 तक का अवलोकन करें कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है और किन परिस्थितियों में कितना बल प्रयोग करना है बल प्रयोग की सीमा क्या होगी तो हम ये पाते हैं कि उसमें सबसे जो बृहद पावर सबसे वाइड और जो डिस्कशन दिया गया है डिफेंडर को वह है धारा हंड्रेड धारा सौ के अंतर्गत दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें है धारा नाइन्टी से नाइन्टी सिक्स से लेकर के 102 तक में जो ध्यान देना है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत कि यदि डिफेंडर और जो एग्रेसर है यह ज़रूरी नहीं कि डिफेंडर अपना ही ये जो राइट उसको मिला हुआ है अपने शरीर के विरुद्ध है ये अपने शरीर और किसी समाज के किसी अजनबी व्यक्ति के शरीर के ऊपर हुए हमले को निवारित करने की भी का भी राइट डिफेंडर को दिया गया है बचावकर्ता को मिला हुआ है जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं बहुत इसको शीघ्रता से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे संक्षेप में अब इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे पूरे लेक्चर को व्याख्यान को जिससे कि ये पूरा व्याख्यान संक्षेप में हम आपको और इसको कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर दें अतिरिक्त जानकारी के लिए जो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा वह यह है कि ये अधिकार किसी समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है इसका उपयोग में लाया जा सकता है और यह कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा प्रतीत होता है कि धारा सौ में जो सात परिस्थितियाँ हैं उसमें से कोई अगर एक स्थिति उत्पन्न है तो वह हमलावर की मृत्युकायत कर सकता है उच्चतम न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण वाद हैं जिनके माध्यम से और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक बात और भी है कि ये जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है शरीर के विरुद्ध यह अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के विरुद्ध है जिसका उल्लेख आई के सेक्शन नाइन्टी में किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर अथवा अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार रखता है पागल के विरुद्ध भी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के विरुद्ध भी जो अधिकार वह स्वस्थ मस्तिष्क बिफित्य के व्यक्ति के विरुद्ध रखता है उदाहरण के तौर पर इसको समझा जाए दृष्टांत के रूप में समझा जाए कि यदि कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ऐसा हमला करता है जिससे मृत्यु या घोर क्षति हो सकती है तो उस घोर क्षति या हमले को निवारित करने के लिए यदि कोई वह बचाव करता हमला करता है अपने जान को बचाने के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को विकसित व्यक्ति के ऊपर भी तो भी इस मातृस आधार पर वंचित नहीं होगा वह चित व्यक्ति के द्वारा किए गए हमले से बचने के लिए अपने वह अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हमला किया है तो धारा अट्ठानबे यह स्पष्ट करती है कि चित व्यक्ति के विरुद्ध अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का दावा किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि इस मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उल्लेख में मैंने धारा 96 से लेकर के धारा 102 तक के सभी प्रावधानों का विस्तार से चर्चा किया उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण वादों का उल्लेख किया इसमें जो महत्वपूर्ण वाद हैं सुप्रीम कोर्ट के कौन सी क्षति और धारा 102 का उल्लेख किया और इन उल्लेख के पश्चात मुझे इस दृष्टांतों के माध्यम से भी न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी मुझे पूरा विश्वास है मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस की बातें कानून के अंतर्गत आपको निश्चित रूप से मेरे व्याख्यान के माध्यम से आप सभी तक पहुंची होगी और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं धन्यवाद थैंक यू